महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर आईपीएल 2021 के खिताब को अपने नाम करने में सफल रही। माही की कप्तानी में सीएसके ने चौथी बार आईपीएल की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। आईपीएल 2021 खत्म होने के बाद सभी के मन में यही सवाल था कि क्या 40 साल के हो चुके धोनी अगले साल भी इस लीग में खेलते नजर आएंगे या नहीं। हालांकि धोनी ने फाइनल मैच के बाद साफ कर दिया था कि वो अगले साल भी आईपीएल की चकाचौंध में खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि धोनी नहीं चाहते कि सीएसके उनके ऊपर खूब सारा पैसा खर्च करके आईपीएल 2022 से पहले मेगा ऑक्शन में उन्हें रिटेन करे। इस बात का खुलासा चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक श्रीनिवासन ने किया है। एक न्यूज़ वेबसाइट से बात करते हुए श्रीनिवासन ने कहा कि धोनी एक ईमानदार और निष्पक्ष व्यक्ति हैं और नहीं चाहते हैं कि टीम उनके ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करे। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि धोनी अगले साल भी हमारे कप्तान बने और हमारी तरफ से ही खेलें। इससे पहले श्रीनिवासन ने कहा था कि धोनी सीएसके, चेन्नई और तमिलनाडु का अहम हिस्सा हैं। धोनी के बिना कोई सीएसके नहीं और सीएसके के बिना धोनी नहीं। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवासन ने कहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स के बिना धोनी की कल्पना नहीं की जा सकती। इससे इस दिग्गज क्रिकेटर और इस फ्रेंचाइजी टीम के बीच गहरे रिश्तों का पता चलता है। आपको बता दें, धोनी 2008 से ही इस टीम का हिस्सा है, जब से आईपीएल की शुरुआत हुई है, और उनकी कप्तानी में टीम ने 2010, 2011, 2018 और इस साल चैंपियन बनने में सफल रही है।